नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं संजीत मॉडल, आप सभी का मरहबा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया हैं, मजे में। आज एक ऐसे राइडर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ट्रैवलिंग के लिए राइडिंग नहीं किया, उन्होंने बचपन से ही अपना राइडिंग शुरू किया था एडवेंचर के लिए। तो चलिए उनका एडवेंचर राइडिंग के एक्सपीरियंस के बारे में सुन लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल का सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। दिस इज सुदीप भट्टाचार्य, वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर राइडर इन वेस्ट बंगाल। He live in the city of joy, Kolkata. सुदीप जी ने इंडिया के ऐसे ऐसे रोडों पर राइडिंग किया है जहाँ पे लोग जाने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। Hello guys, I'm Sudeep Bhattacharya. I head Phoenix Biking and I am an adventure rider by passion, by my choice. मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे एडवेंचर ट्रेल्स का बहुत शौक है, अलग अलग रास्तों पे बाइक चलाने का, अलग अलग तरीके से अलग अलग बाइक्स। सो हाँ, ट्रैवल मैंने बहुत काफ़ी किया है, बट आई एम नॉट रियली अ ट्रैवलर हु लाइक्स टू राइड, आई एम अ राइडर हु लाइक्स टू ट्रैवल। सो दैट वेज मुझे एडवेंचर राइडिंग पसंद है, मुझे अलग अलग सर्फेसिस पसंद है, मुझे कीचड़, बर्फ, पत्थर, बोल्डर्स, बालू, पानी, इन सब पे बाइक चलाना पसंद है। और इन सब में चलाने के लिए मैं बहुत सालों से सीखते आ रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ और लोगों को सिखा भी देने की, ताकि कुछ जिनको मेरे तरह का पैशन हो वो एंजॉय कर सके। मतलब सिर्फ बाइक लेके घूमना नहीं, बाइक लेकर के एक स्पेशलाइज तरीके से, एक स्पेशलाइज रास्ते में एंजॉय करते हुए सेफली घूमना, दैट इज़ व्हाट वी डू। थोड़ी बहुत राइड्स मैंने की हैं, मतलब इंडिया की 5 ख़राब ट्रेचरस रोड्स बोलते हैं, इंडिया के 5 डेडली रोड्स कहते हैं, जिसमें से एक आती है स्पीति, दूसरी आती है अरुणाचल तवांग, तीसरी आती है संदकफू, चौथी आती है सिक्किम, और फिफ्थ रोड जो है वो नेपाल की एक सर्किट है, उसे कहते हैं अन्नपूर्णा सर्किट, पूरा सर्किट दैट कंप्राइजेज ऑफ मनांग एंड मस्तांग। बचपन में शौक था मोटोक्रॉस, ऑटोक्रॉस का, रैलीज का, फिर विद एज, विद टाइम, विद अदर प्रेशर्स सारा छूट गया, मोटरसाइकिलिंग बेसिक रह गई। अब दोबारा से एट 45 आई एम गेटिंग एन अ गुड अपॉर्चुनिटी, मुझे कुछ लोग अच्छे मिले जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, सो आई एम गेटिंग बैक इनटू मोटोक्रॉस एंड ऑटोक्रॉस एंड रैलीज। तो टूरिंग, रैलिंग, एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद एडवेंचर राइडिंग, आई एम इनटू इट, आई ट्राई टू बी इनटू इट। सो बस इतना ही है, अभी बंगाल में इसका अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम ही मिला है मुझे अब तक, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है ये फील्ड, हालांकि है इसमें अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। सो अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ और भी कुछ लोग आएँ जो ज्वाइन करें, जो मुझे आता है मैं सिखा सकूँ, जो मैं कुछ सीख सकूँ। अब एडवेंचर राइडिंग, एडवेंचर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन राइडिंग, इन सब चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत मैं अब काम कर रहा हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर जॉनर चूज़ किया है, इसको कहते हैं ऑफ रोडिंग या ट्रेल राइडिंग, जिसके लिए पर्टिकुलर टूटे खराब रस्तों पर, थोड़ी हाई स्पीड पर गाड़ियाँ चलती हैं, कंट्रोल में चलती हैं, स्पेसिफिक टाइप की गाड़ियाँ या गाड़ियों में स्पेसिफिक टाइप की मॉडिफिकेशन करवा लेनी पड़ती हैं। सो आई एम बेसिकली इन टू दैट, एक ऑफ रोड ट्रेल एंड्यूरो सॉर्ट ऑफ राइडिंग। शुरू हुआ था पता नहीं कब, 3 साल 4 साल की उम्र में थे। आई ग्रू अप इन अ प्लेस कॉल्ड कानपुर इन यूपी, स्मॉल प्लेस, फादर वॉज पोस्टेड देर। सो बट 3-4 ईयर्स ओल्ड, यू नो, यू कुड सी दिस आर्मी बाइक्स रोलिंग बाय और मोहल्लों की गाड़ियाँ निकलती थी, और उसी वक्त से वो इंटरेस्ट होता था, कहीं पर बाइक आ रही है, कहीं पर पलट पलट के देखना। इट स्टार्टेड एट अबाउट एज 4। एक और चीज़ ऑफ रोडिंग के बारे में, जब शुरू किया था मैंने ये टूरिंग, एडवेंचर टूरिंग, तब ऑफ रोडिंग वाला फंडा मुझे नहीं पता था, मतलब इट वॉज नॉट वेरी क्लियर। तब मेरे पास ये होता था कि रोड है तो रोड है, और रोड से उतर गए तो वो ऑफ रोड है। तो शुरू शुरू में ऐसे ही रहा, पहाड़ों में गए, स्पीति गया था मैंने, स्पीति भी गया था मैं 2016, तो तब तो खैर स्पीति की रोड या नो रोड्स वैसी हालत, पल्सर लेके गया, और थोड़ी देर जाने के बाद में 400-500 किलोमीटर जाने के बाद रोड तो नहीं है, टूटी रोडें भी नहीं हैं, फिर बोल्डर शुरू होते हैं, कंकड़ पत्थर बोल्डर, और वो खड़ी रोडें। अब उसमें दिक्कत ये हो रही कि यार बाइक तो बहुत चलाई, लेकिन ये पत्थरों पे बाइक चलाऊँ कैसे। कोशिश कर कर आके वो, यू नो, नौसिखिया जैसे हो तो आधा क्लच दबा के गाड़ी चढ़ा तो दी, चढ़ाने के बाद स्पीति ट्रिप कम्प्लीट भी हुई, वापस भी कलकत्ता आया, और दिमाग में ना वो चलते रहा यार, वो एरिया कन्विंसिंगली मैंने बाइक चलाई नहीं, उस एरिया में संभव मेरे से कुछ गलती होती थी, मैं गिर पड़ता, उस एरिया में मेरे पास बाइक कंट्रोल में नहीं थी, ये कीड़ा ये घर कर गया। और धीरे धीरे यू नो, आई यूज़ टू कम बैक
अपने इस पास आस पास में वैसी सड़कें ढूंढता था कि यार वैसी सड़क मिलेगी तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। थोड़े दिन बाद मिल गई वैसी सड़कें, 17 के आसपास में मुझे सिंगूर के पास में एक स्ट्रेच मिला जो कि वैसे ही है पूरा, जैसे स्पीति की सड़कें वैसे ही हैं, ऑल्टीट्यूड नहीं है बट सरफेस सेम है। फिर 2 साल हम लोगों ने लगातार उस पर प्रैक्टिस की उस एरिया पर। उसको करने के बाद जब मैंने फिर से पहाड़ की राइडिंग शुरू की, मुझे अंतर समझ में आने लगा कि डिफरेंस क्या था कि एक बाइक को अनजाने किसी रास्ते में ले जाना और एक टेक्निक जान के उस जगह जाना, इन दोनों में जो डिफरेंस था मुझे स्पीति ट्रिप के बाद समझ में आया कि उसके बाद मैंने जो जो ट्रिप्स की प्रैक्टिस के बाद बहुत अंतर रहा। आज के दिन में अब आप मुझे कोई भी जगह बोल दो जाने के लिए डर नहीं लगता। सबसे पहली बात डर नहीं लगता, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वहाँ वेदर कैसा है, क्या कैसा, क्या कैसे जा सकते, रहने की जगह, बस इतना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हाँ वहाँ पे ये है, हम लोग के पास हिम्मत है, बाइक लेके चले जाएंगे बिकॉज अब पता है कि फेस कर लेंगे। सो ऑफ रोडिंग इज़ अ जॉनर ऑफ मोटरसाइकिलिंग जहाँ पे आप मोटरसाइकिल के साथ इतना तालमेल बना चुके होते हो कि आप कहीं भी जा करके उसको लेके पार कर जाते हो, कॉन्फिडेंस अंदर आ जाता है। सो एज अ वर्ड ऑफ एडवाइस टू माई यंग फ्रेंड्स हु आर देयर हु इज लुकिंग एट मी एंड यू नो वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट ट्राई दीज स्टंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, लर्निंग दीज ट्रिक्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे पहाड़ या जो ही कहीं भी आप जा रहे हो वो जगह आपको वेलकम तब तक ही करेगी जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। आप उसकी बिना रिस्पेक्ट किए वहाँ पर जा करके बाइक चलाने की कोशिश करोगे, एक एक्सीडेंट होता है, वो शहर नहीं, वापस नहीं आओगे आप। सो आप लोग सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर कुछ करो लेकिन प्लीज़ सीख के करो, प्लीज़ लर्न द ट्रिक एंड देन डू इट। जस्ट डोंट डू इट बिकॉज यू हैव अ बाइक बाइक दैट समबडी एल्स हैज बीन डूइंग दैट ट्रिक ऑन, डोंट डू इट। गेट अ बाइक, गेट योर सेल्फ ट्रेन, गेट प्रॉपर गियर्स एंड देन डू इट, यू विल बी मच 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 सेफर। Last and the most cheerful thing about the motorcycling is age for me is just a number today, because मैं 25 का था तो भी ऐसी चलाता था, 45 का हो तो भी ऐसी चलाता हूँ, 65 का होगा तो भी ऐसी चलाऊंगा होपफुली अगर जिंदा रहा तो। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ टाइम मशीन रियली फॉर मी। इट डजेंट लेट मी ग्रो ओल्ड, डजेंट लेट मी ग्रो ओल्ड, डजेंट लेट मी ग्रो अनहैप्पी, डजेंट लेट मी गेट डिप्रेस, डजेंट लेट मी डू एनीथिंग नेगेटिव। सो दिस थिंग हियर इज माई थेरेपी फॉर लाइफ एक्चुअली। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई हैव, पैसा शायद ना दिया हो, शायद दिया हो, बट पैसे के अलावा हर कुछ इसने मुझे दिया है। सो दिस इज़ अ थिंग आई रिस्पेक्ट टू मच, आई डू नॉट वॉन्ट टू यू नो। आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी गाड़ियों को समझो, इससे जो कुछ ले सकते हो गुड पार्ट वो लो वापस, क्योंकि सिर्फ भगाने में मज़ा नहीं है, दिस इज़ अ थेरेपी इन इट सेल्फ। इस अगर आप बाइक चलाते हो आपको किसी और नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पैसे भी नहीं बचेंगे, और दूसरी चीज़ यू विल फील द यू नो कनेक्शन, आप नेचर से कनेक्ट एक्चुअली बेटर कर पाओगे अगर आप मोटरसाइकिल पर हो। प्लीज़ जस्ट लर्न योर ट्रिक बेटर, लर्न योर स्किल्स बेटर, डेवलप योर स्किल्स, आप अपने आप स्किल बढ़ाते रहो। बाइक चाहे जो हो आपके पास, डजेंट मैटर, आज स्कूटी है कल हो सकता 1000 cc कुछ हो, डजेंट रियली मैटर, बाइक है, जाना है, घूमने जाना है, सीखना है, घूमो, मस्ती करो, कम बैक, अपनी फैमिली लाइफ ज्वाइन करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो। You have responsibilities, ये मस्ती की जगह है, मस्ती ज़रूर करो, लेकिन इस याद रखना, इससे वापस आने के बाद आपकी responsibilities घर पे आपका वेट कर रही होती हैं, ऑफिस में आपका वेट कर रही होती हैं। सो when you're राइडिंग प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, बी केयरफुल when you ride, enjoy, बट कम बैक सेफ। थैंक यू, cheers.